तो यार आज हमारे पास बहुत सारी एनिमे अपडेट्स है जिनके बारे में आपको सुनकर मजा आ जाएगा, और खासकर हमारे पास हिंदी डब्ड एनिमेस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 2024 में हम बहुत सारे नए एनिमेस इंडियन टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट है मुशोकु टेंसाई की। एनिमे की हिंदी डबिंग का काम शुरू हो चुका है, जो कि काफी अमेजिंग बात है, और बहुत ही जल्दी हम इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इसके बाद पोकेमॉन सीजन 1 से लेकर 5 अब अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में। पर अगर आपको ये फ्री में देखना है तो आप जाकर सीधा जियो सिनेमास पर देख सकते हो पोकेमॉन सीजन 1 से लेकर आई गेस 15 या 16 I'm not so sure, but वहाँ तक ही गई तो अवेलेबल है, XY तक अवेलेबल है, वो भी फ्री में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, वरना आप Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन लेकर अलग से सीजन 1 से लेकर 5 भी एंजॉय कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद माय हीरो अकेडमिया सीजन 4 जो है वो 14th ऑफ अप्रैल से एवरी संडे दोपहर के 1 बजे शुरू होने वाली है, जो कि मजेदार बात है। यानी कि 2024 में माय हीरो अकेडमिया इज बैक विद न्यू एक्शन, न्यू एपिसोड्स, जिनको देखकर मजा ही आ जाएगा, जो अच्छी बात है। इसके बाद डेथ नोट, जिसके बारे में यार इंडिया में बहुत टाइम से बातें चल रही है, यानी कि 2016-17 से ये बातें चल रही है कि डेथ नोट को हिंदी डब मिलने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कोशिशें हो चुकी है इस बारे में, यानी कि पिटिशन साइन हुए हैं, वीडियोस बनी हैं, बहुत कुछ हुआ है, बट अब ये सपना जो है वो फाइनली जाकर सच होने वाला है, क्योंकि डेथ नोट की हिंदी डबिंग का काम जो है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है, और कुछ महीनों के अंदर, यानी कि 7-8-9 महीने के अंदर हम डेथ नोट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्या ये टेलीविजन पर आएगी या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टेलीविजन पर तुम कहोगे कि यार डेथ नोट को दिखाना इम्पॉसिबल होगा, बट हमने नारुतो शिपुडेन के बारे में यही बात की थी कि नारुतो शिपुडेन को शायद से दिखाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उसके अंदर खून खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर अब नारुतो शिपुडेन सोनी पर आ रहा है, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो मैं ऐसे 100% कह नहीं सकता कि ये टेलीविजन पर आएगा, बट अगर 2-3% चांस भी है कि ये टेलीविजन पर आ जाए, ये दैट वुड बी ह्यूज यार, बट मेजॉरिटी चांसेस ये है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, जैसे कि नेटफ्लिक्स या क्रंचीरोल पर, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हाइकू द डम्पस्टर फायर, सॉरी डम्पस्टर बैटल की मूवी जो है वो 30 मई को आने वाली है, तो PVR सिनेमाज इंडिया में भी इसको रिलीज कर सकते हैं, सो देखते हैं क्या होता है। पर यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, और अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी एनिमे अपडेट्स मैं लाते रहूंगा, जिससे आपको सारी एनिमे की न्यूज़ जो है वो मिल जाए, और आप वाकिफ रहो हर नए एनिमेज, हर पुराने एनिमेज, जो भी आपकी फेवरेट एनिमे, कार्टून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप उन सभी से वाकिफ हो जाओ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 100K के काफ़ी ज़्यादा करीब है, यानी कि सो मच क्लोज, इतना सही गैप बाकी यार, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद काइजो नंबर 8 अब क्रंचीरोल पर अवेलेबल हो चुका है, तो तुम उस एनिमे को जाकर देख सकते हो। इसके बाद डीमन स्लेयर सीजन 4 जो है वो 12 मई से एयर होना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यानी कि डीमन स्लेयर की मूवी अभी आई थी, जिसके अंदर मूवी के नाम पर उन्होंने पिछले 2 एपिसोड्स दिखाए और एक नया एपिसोड दिखाया, सो दैट वाज गुड, पर अब बाकी का सीजन, बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो डीमन स्लेयर सीजन 4 को लेकर, ये मुझे कमेंट्स के अंदर लिखकर बता देना। इसके बाद माय हीरो अकेडमिया की नई मूवी योर नेक्स्ट, जिसको सुनकर बिल गोल्डबर्ग जो है वो बहुत खुश होगा, तो ये मूवी August 2 को आने वाली है, तो या दैट्स अमेजिंग, अनदर न्यू माय हीरो अकेडमिया मूवी, सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। इसके बाद माय हीरो अकेडमिया एक और न्यूज़ के साथ, क्योंकि माय हीरो अकेडमिया सीजन 7 जो है वो 4 मई से शुरू होने वाला है, तो ये क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स पर साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि हर हफ्ते जो नए एपिसोड्स आएंगे वो नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल दोनों पर ही आते रहेंगे, सो या दैट्स अमेजिंग। सीजन 7 भी आ रहा है, इसके बाद हम एक नई मूवी भी देखने वाले हैं, और कार्टून नेटवर्क पर अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो सीजन 4 हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंड आई गेस जब भी स्प्रिंग होगा, सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पर, हमको सीजन 5 भी देखने को मिल सकता है कार्टून नेटवर्क पर। वहाँ कार्टून नेटवर्क यहाँ पर काफ़ी कमाल का काम करते जा रहा है, और माय हीरो अकेडमिया के बाद उनका नया प्रोजेक्ट क्या होगा ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी सोनी ये कोई नई एनिमे लाने वाला है, क्योंकि नारुतो शिपुडेन लंबा चलने वाला है यार, यानी कि इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज टाइम, यानी कि 500 एपिसोड्स है यार उसके अंदर, उसको वो दिखा तक बहुत टाइम जाएगा, तो उसके बाद शायद से वो कोई नई प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करे। पर यहाँ पर माय हीरो अकेडमिया ऑन दी अदर हैंड सीजन 5 के बाद आई डोंट थिंक सो ये लोग सीजन 6 दिखा सकते हैं, क्योंकि सीजन 6 जस्ट अभी आया है, और उसके राइट्स खरीद के डब करवाना
दैट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट कार्टून नेटवर्क ने बहुत कुछ करके दिखाया, सो आई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस बारे में, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये सारी अपडेट्स को सुनकर, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स। बाय बाय।